हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुदेश नागर व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो मैंने अभी बनाए थे सैंडविच, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलो सैंडविच बना लेती हूँ। और बस वो सैंडविच वगैरह सबने खाए हैं, हस्बैंड अपने फैक्ट्री चले गए और मेरे बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं ट्यूशन जाने की। आज उनका 10 बजे से ट्यूशन है और मैं उसके बाद अब कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि दोपहर में ही खाना बनेगा। तो मैं सोच रही थी कि तब तक अपना जो किचन है वो साफ करके रख दूँ और बाकी काम मैं फिर बाद में करूँगी। और किचन इस टाइम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि सुबह जल्दी जो भी बनाना था मैंने जल्दी बनाया। और अभी गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करना है मुझे, और थोड़े से बर्तन हैं, बर्तन भी साफ़ करूँगी। और मैं जैसे किचन की जो सेल्फ होती है तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी पहले से ही गर्म कर लिया था। तो मैं पहले अभी किचन साफ़ करनी है, और कपड़ों धोने की मशीन भी लगा दी है सुबह ही, जिससे कि मैं अपना सारे कपड़े जल्दी धो दूं। और आज थोड़ी धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे। बच्चे चले गए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन लगाई है मैंने कपड़े धोने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा और चीज़ें हैं उनको भी धो लूँ। जैसे मेरे सोफे के कवर है, ये देखिए, तो ये है, तो ये मैंने दिवाली के बाद धोए नहीं हैं, क्योंकि ऐसी कोई नौबत नहीं आई, मुझे नहीं लग रहा था कि ये गंदे हैं। लेकिन अब आज सोच रही हूँ कि इनको भी धो लूँ। और मिश्का का बैग भी दिखा देती हूँ, इसको भी मैंने निकाला था, तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। ये देखिए, अभी 1 हफ्ते पहले मैंने धोया था ये, और इसका थोड़ा कलर ऑरेंज कलर का है ये, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, मिश्का ज़्यादा गंदा कर देती है इसको। तो मैं आज इसको भी धो लूँगी अच्छे से। और जो सोफे के कवर है ये सब भी मैं धो लूँगी, क्योंकि फिर धूप भी है आज, तो सूख जाएगी जल्दी से, और सूखने के बाद फिर पता नहीं कल धूप निकले नहीं निकले। तो पहले अभी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपको। कपड़े वगैरह सारे धो लिए हैं, और भी मेरा लगभग जो काम है वो फिनिश हो गया है। और अभी मेरा एक जो कमरा है, और टाइम देखिए 1 बज गया है, और 1 बजे तक सुबह से ही मैं नॉन स्टॉप काम कर रही थी। और अभी ये रूम है, तो ये देखिए अभी ऐसे ही सारा कुछ फैला हुआ है इसमें, तो बस ये रूम सही करूँगी। के बाद खाने में क्या बनाऊँगी, मैं खाने में बनाऊँगी जवे, तो बहुत सारी सब्जी डालकर, गाजर मटर गोभी आलू ये सारी सब्जी डालकर तब मैं जवे बनाऊंगी। तो ये कमरा सही कर दूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, और खाना भी बनाना है, और थक गई हूँ मैं सुबह से काम करते करते। बच्चों के एग्ज़ाम भी है, उनको भी थोड़ी देर पढ़ाऊंगी, वैसे तो अभी आए नहीं है ट्यूशन से, तो आएंगे तो दोपहर में फिर 1-2 घंटे उनको भी पढ़ाना है। बहुत सारा काम हो गया है, बस यही रूम है, तो इसी को मैं जल्दी से कर लेती हूँ, और इतने बच्चे आएंगे इतने में लंच भी बना लूँगी।
to me. Come back 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 to me. अभी बचे हुए हैं 2:30 और मेरा लगभग सारा काम फिनिश हो गया है। बच्चों ने भी खाना खा लिया है। सुबह से ही पूरा दिन ऐसे ही गया काम करते करते। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम और है कि ज़्यादा सर्दियों में ज़्यादा कपड़े पहनने की आदत नहीं है, इरिटेशन होता है मुझे। और मैं सॉक्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, सॉक्स और जूते। तो मुझे कितनी बार मेरे हस्बैंड से भी इस चीज़ को लेके डांट पड़ती है। और जब मैं अपने बच्चों को भी पहनाती हूँ उनको सॉक्स या जूते और एक्स्ट्रा कपड़े पहनाती हूँ, तो वो भी यही कहते हैं कि मम्मी आप नहीं पहनते हो, आप क्यों नहीं पहनते हो। तो मैं, मुझे आदत ही नहीं है, थोड़ा सा इरिटेशन होता है, ऐसे बंदा बंदा सा फील होता है। तो मैं ज़्यादा जैसे जैकेट वगैरह ऐसे नहीं पहनती हूँ ज़्यादा कपड़े सर्दियों में। और वैसे तो मुझे सर्दियों में मुझे पैरों में ज़्यादा ठंड लगती भी नहीं है, मैं नहीं पहनती हूँ। मैं क्या करूँ इस चीज़ में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।